अच्छे जी हेल्प की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने वीडियो में बात कर चुके हैं इस हिस्से में कि आयुर्वेदिक कंपनी आप कैसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो इस विषय पे रहेगा कि BMS डॉक्टर्स आयुर्वेदिक मैनुफैक्चरिंग कंपनी को कैसे शुरू कर सकता है। दो टेक्निकल पर्सन की जरूरत होती है, एक होता है प्रोडक्शन केमिस्ट और दूसरा होता है एनालिटिकल केमिस्ट। अगर हम प्रोडक्शन केमिस्ट के बारे में बात करते हैं तो जो BMS डॉक्टर्स होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी डॉक्टर्स होते हैं, वो प्री अप्रूव्ड केमिस्ट होते हैं, उनको किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं रहेगी। एनालिटिकल केमिस्ट में बी फार्मेसी या BSc पर्सन को आप अपॉइंट करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या तो हम खुद एक लैब एस्टैब्लिश करें आयुर्वेदिक कंपनी के लिए, या किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स हम सबमिट कर सकते हैं, उसका ऑथोराइजेशन लेटर हम दे सकते हैं। एरिया की बात करते हैं तो जो कवर्ड एरिया होना चाहिए वो 1200 स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए। सेक्शन वाइज पार्टीशन बने होने चाहिए, टैबलेट कैप्सूल लिक्विड के लिए अलग अलग होने चाहिए। जो डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल दी हुई है आप वहाँ से क्लिक करके पूरा चेक कर सकते हैं कि कितना कितना एरिया रहेगा सेक्शन वाइज। मशीनरी जो होनी चाहिए वो स्टेनलेस स्टील की बनी होनी चाहिए। जितनी भी मशीनरी बनी होगी वो SS304 में बनी होगी, उसके पार्ट जितने भी बनने चाहिए वो SS316 के लिए होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया गया है मशीनरी कंप्लीट डिटेल, हम यहाँ डिस्कशन करेंगे तो लेंथी हो जाएगा इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड चाहिए उसमें सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म 24D होता है, वो फिलअप करना पड़ेगा। जो फीस होगी जितनी प्रिस्क्राइब फीस होती है वो हमें जमा करानी पड़ेगी। टेक्निकल पर्सन्स जो BMA डॉक्टर है या एनालिटिकल केमिस्ट है उनके डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। साइट मास्टर प्लान क्या है, कहाँ पे आपकी साइट है, कैसे है, वो सब सबमिट करना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट उसके सबमिट करने पड़ेंगे। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको पाफ एबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिएगा कि आपका जो यूनिट है वो फुली इलेक्ट्रॉनिक से इक्विपमेंट से पूरा मेंटेन है। लिस्ट ऑफ मशीनरी जो जो आपको चाहिएगी, जो लैब इक्विपमेंट आपने लगा लिए हैं वो सारी डिटेल साथ में लगेगी। आपकी जो परमिशन है वो खुद की है या रेंट एग्रीमेंट है आपकी रेंटेड है तो वो साथ में लगेगा। जो जो आप मेडिसिन वहाँ पे बनाना चाहते हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके साथ में जाएगी। इसके अलावा कुछ भी अलग डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे जाते हैं या हमसे छूट गए हैं वो आपको साथ में इसके लिए लगाने पड़ेंगे। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आयुष डिपार्टमेंट टीम आपकी फार्मेसीज को इंस्पेक्ट करने आती है। Schedule T के अंतर्गत है। Schedule T अपना आयुर्वेदिक के GMP के नॉर्म्स को फॉलो करता है। Schedule T के बारे में कंप्लीट डिटेल हमने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैनुफैक्चरिंग यूनिट में मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस के साथ आपको GST नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका टर्नओवर 20 लाख एनुअल से ज़्यादा है, लेकिन आप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।